दोस्तों, आपको तो पता ही होगा हमारे केरला में कितना प्रॉब्लम चल रहा है। दोस्तों 40 से ऊपर डैम फुल हो चुके हैं, उसके डोर ओपन हुए, इसके वजह से काफी पानी गांव में घुस गया है। दोस्तों केरला फ्लड में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 3.5 से 4 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, जो 1500 रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। काफी एनजीओज है, गवर्नमेंट एक्टिविटीज है, गवर्नमेंट मशीनरीज है, हेल्प कर रही है। एज एन यूट्यूबर आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिससे काफी लोगों को प्रोत्साहन मिले डोनेशन के लिए। दोस्तों पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है रवि चंदा राणा, मैं एक यूट्यूबर हूँ ऑटोमोबाइल रिलेटेड, ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज रिलेटेड, और जहाँ पे भी मैं ट्रैवल करता हूँ उसके मैं व्लॉग बनाता हूँ। तो आज के टॉपिक में हम ऑटोमोबाइल या कोई व्लॉग रिलेटेड बात नहीं करने वाले है, हम जो बात करने वाले काफी सीरियस टॉपिक है केरला फ्लड का, उसके रिलेटेड। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन केरला फ्लड के लिए कर रहे हो। कैसे? दोस्तों यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे क्रिएटर्स लोग आते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, उनके वीडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है उससे एडवर्टाइजमेंट से थोड़ा पैसा एक यूट्यूबर्स के अकाउंट में भी आता है। तो आज तक मैंने कभी ये एड एक्टिवेट नहीं की थी, लेकिन इस मंथ में मैं एड एक्टिवेट किया है। मेरे चैनल पे आप कोई भी वीडियो देखते हो तो भी एक केरला के लिए मदद है। जो भी वीडियो में एडवर्टाइजमेंट आएगी जिससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो केरला फ्लड के लिए जाएगा। तो दोस्तों आप भी एक फ्लड के लिए मदद कर ही रहे हो, अगर आप फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। दोस्तों मैं सल्यूट करना चाहूँगा हमारी NDRF की टीम को, हमारी आर्मी की टीम को, हमारी नेवी की टीम को, जो उनका तन मन धन से वहाँ पे मदद कर रहे हैं इस आपदा से बाहर आने के लिए। दोस्तों ये जो सिचुएशन है ये आपके साथ भी हो सकती है, ये मेरे साथ भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। नेचुरल डिजास्टर जो चीज है वो कहीं पर भी आ सकती है, कोई भी रूप में आ सकती है। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ मदद कीजिए हमारे केरला वासियों के लिए। आपके पास अगर फाइनेंशियल हेल्प नहीं है तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर वो वीडियो देखते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, जो भी ऐड का रेवेन्यू होगा वो हम केरला फंड में देंगे। दूसरी चीज, आप कपड़े डोनेट कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, सारी जो ऑप्शंस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। दोस्तों अभी मैंने ऑनलाइन न्यूज में देखा, एक डॉक्टर शमशीर विल्लई करके है जिन्होंने 50 करोड़ का डोनेशन दिया है। वो केरला से ही बिलोंग करते हैं लेकिन अभी केरला में रहते नहीं है। दोस्तों एक साउथ इंडिया के एक्टर है मिस्टर राजीव पिल्ले करके, इन्होंने उनका जो शादी है वो पोस्टपोन करके फ्लड लोकेशन पे पहुंच के ये रेस्क्यू करने में वहां के लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसा ही मोटिवेशन दोस्तों केरला के लोग ढूंढ रहे हैं। हर आदमी को मदद की जरूरत है, मुझे लगता है हमें मदद करना चाहिए उनकी। जो डोनेशन होता है ये हमेशा गुप्त दान होता है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं पेटीएम से कैसा डोनेशन कर सकता हूँ। सो आप भी देखो इस चीज को, और आप भी अगर कुछ आपके हिसाब से मदद कर सकते हो तो आप बहुत अच्छा होगा। तो अभी हम लोग जाते हैं हमारे पेटीएम अकाउंट में, और पेटीएम अकाउंट से कैसा डोनेशन होगा ये आपको दिखाता हूँ। पेटीएम के ऐप में जाके केरला फ्लड्स करके एक इन लोगों ने आइकन बनाया है यहाँ पे, उसमें जाके ये देखो मैं जा रहा हूँ उसके अंदर और अभी डोनेशन करने वाला हूँ। केरला CM डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में जाके मेरा नाम डाल रहा हूँ जो कि रवि चंदा राणा है। अमाउंट जो मैं डोनेट करना चाहता हूँ है वो 2500 रुपये है। हाँ ये हो गया पे, ओके वेटिंग आ गया। सो दोस्तों मेरे को कन्फर्मेशन आ गया सक्सेसफुली, जो मेरा पेमेंट है ये केरला रिलीफ फंड में पहुँच चुका है। योर ऑर्डर इज सक्सेसफुल ऐसा लिखे आ रहा है, तो दैट मीन्स मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों आप भी अगर चाहते हो 100-200 रुपये की भी मदद बहुत बड़ी मदद होती है इस सिचुएशन में। एक पानी का बोतल 10 रुपए का भी होता है, वो भी एक काफ़ी मदद है क्योंकि वहाँ पे पीने का पानी भी नहीं है। दोस्तों खाने की तो बात छोड़ दो, वहाँ पे पीने का पानी भी नहीं है आज के सिचुएशन में। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट सब ये केरला फ्लड्स के लिए मदद कर रही है, सारी दुनिया के लोग केरला के लिए मदद कर रहे हैं। मैं देखा US से काफ़ी मदद आ रही है, UAE के प्राइम मिनिस्टर ने भी अच्छी मदद की है। सो एज एन इंडियन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, छोटी हेल्प क्यों ना हम दो लोगों का खाना भी उनके लिए भेज सकते हैं या एक पानी की बोतल भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो, अगर दो लोगों के लिए आपको खाना भी भेजना है तो आप खाना भी उनके लिए भेज सकते हो। डोनेशन के काफ़ी अलग अलग तरीके भी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं, आप उसे जाके देख सकते हो और आप हमारे केरला भाई और बहनों की मदद कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी मैं डोनेशन कर रहा हूँ वो पैसा भ्रष्टाचार में जाएगा, उसका करप्शन में जाएगा, इसलिए काफ़ी लोग डोनेट नहीं करते हैं। दोस्तों ऐसा मत सोचिए, जो भी पैसा हम भेज रहे हैं ये चीफ मिनिस्टर के फंड में जाएगा, चीफ मिनिस्टर के फंड के थ्रू इसका सही एलोकेशन होगा। अगर हमारे सैनिक भ्रष्टाचार करते
तो आपको कितना गुस्सा आता। आज हम ही लोग ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए हम ही भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हम ही लोग हैं। काफी लोग ऐसा सोचते हैं, जब आप जूते लेने शोरूम में जाते हो उसके ऊपर धूल लगी रहती है तो आप शूज नहीं लेते हो, रास्ते पे जाके हम लोग जो खाते हैं सब्जी वो रास्ते से लेते हैं जिसके ऊपर धूल मिट्टी लगी रहती है उसको हम धो के खाते हैं, लड़कियों के एजुकेशन में खर्चा नहीं करते उसके शादी में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। काफी लोग शादी में अच्छा गिफ्ट देते हैं लेकिन वही आदमी अगर हॉस्पिटल में बीमार है जब उसको पैसे की जरूरत है तो हम डोनेशन या गिफ्ट नहीं देते। हम ही निगेटिव सोच रहे हैं, हमको पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव सोच के एक अच्छा भारत बनाना है, हमारे केरला के दोस्तों को बाढ़ की दुविधा से बाहर निकालना है। तो प्लीज दोस्तों मदद कीजिए, जो भी मदद पॉसिबल है वो मदद कीजिए। तो मैंने जैसा डोनेशन किया, अगर आपने भी ऐसा डोनेशन किया तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेरे ईमेल आईडी पे डाल दीजिए। मेरा ईमेल आईडी है kwikfixindia@gmail.com। सितंबर में जो दोस्तों वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में ये जितने भी लोगों ने डोनेशन दिया है, जितनों ने भी मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, उनका मैं नाम और उनका जो डिटेल्स है वो वीडियो में इंक्लूड करूंगा उनको थैंक यू बोलने के लिए। दोस्तों एक अच्छे कॉज के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, एक अच्छे कॉज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हर क्रिएटर ये आपके वजह से बना है। सो मैं आपको एक अच्छे कॉज के लिए वीडियो शेयर करने का चैलेंज देता हूँ, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो हम हमारे केरला भाइयों के लिए रखेंगे। लोग सोचते होंगे कि मैं पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा हूँ, मुझे उस वैसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोस्तों एक अच्छे कॉज के लिए मदद कीजिए, अच्छे कॉज को आगे बढ़ाते हैं, हमारे केरला को फिर से खड़ा करते हैं। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, देश की तरक्की के लिए हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ये है, ये हमेशा रहता है। काफी लोग ये सोचते नहीं है, काफी लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों आप अगर केरला के लिए मदद करना चाहते हो तो 31st जो ITR रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है, आप आपका पूरा टैक्स भरिए, वो टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास में, वो ऑटोमेटिकली हेल्प होगी केरला की। ये देश को बढ़ने के लिए दोस्तों हमको टैक्स टाइम पे भरना जरूरी है। तो सितंबर की वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको कि हम सब ने मिलके कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और कितनी मदद हमारे केरला के भाइयों के लिए की है। जय हिंद, वंदे मातरम।